एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, स्टीयरिंग व्हील हमारे गाड़ी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान के चलिए कि जब आप गाड़ी को सपोज राइट टर्न लेना चाहते हो तो स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हो पहले, तो उससे क्या होता है दोस्तों कि फ्रंट व्हील्स जो है आपका वो राइट साइड मुड़ते हैं, जिसके वजह से आप इजीली राइट टर्न ले पाते हो। सपोज आपको लेफ्ट टर्न लेना है, वैसे ही स्टीयरिंग व्हील को उसके अकॉर्डिंगली आप घुमाते हो, तो उसके वजह से क्या होता है कि फ्रंट व्हील्स जो है वो लेफ्ट की तरफ मुड़ते हैं, जिसके वजह से आप इजीली लेफ्ट टर्न ले पाते हो। ये दोस्तों है बेसिक मैकेनिज्म, एक स्टीयरिंग सिस्टम का एक बेसिक मैकेनिज्म होता है। जो कोई भी गाड़ी हो वैसे ही टर्न लेता है, उसका वही मैकेनिज्म रहता है। लेकिन अगर आप ओल्ड कार्स को अगर आप ड्राइविंग करते हो, जैसे कि मारुति सुजुकी 800 की अगर हम बात करें, तो वहां पर दोस्तों क्या होता है कि जब आप सपोज 40 किलोमीटर पर आवर से भी आप लेस आपकी गाड़ी है और फिर आपको सडनली टर्न लेना है, तो वहां पर क्या होता है, आप स्टीयरिंग व्हील को घुमाओगे तो स्टीयरिंग व्हील को घुमाने के टाइम आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, जो कि एक फैटिक क्रिएट करता है टू द ड्राइवर व्हाइल ड्राइविंग ऑन ए लॉन्ग राइड। तो दोस्तों, ये जो इतना एफर्ट आपको लगाना पड़ता है स्टीयरिंग घुमाने के लिए ओल्ड कार्स में, ऐसा दोस्तों क्यों है, क्योंकि वहां पर दोस्तों लगा रहता है रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम। तो ये रैक एंड सिस्टम पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में दोस्तों मैं ऑलरेडी आपके साथ एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने डिटेल्स में समझाया रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम का। मैं आज आपको थोड़ा ब्रीफली अभी डिस्कशन कर दे रही हूँ आपके साथ। देखिए, ये होता है स्टीयरिंग व्हील, ये होता है स्टीयरिंग शाफ्ट, ये जो स्टीयरिंग शाफ्ट के एंड में आप देख रहे हो ये क्या होता है, ये पिनियन होता है। ओके, पिनियन के पेरिफेरी में टीथ लगा रहता है, ये रैक के साथ मेस्ड अप होता है, इसका टीथ और इसका टीथ मेस्ड अप होता है। रैक देखिए आप, ये रैक है जिसका भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टीथ होते हैं। ओके, तो मान के चलिए कि आपने स्टीयरिंग व्हील को राइट की तरफ घुमाया, तो क्या होता है कि ये स्टीयरिंग शाफ्ट भी राइट की तरफ घूमता है और ये जो पिनियन आप देख रहे हो, ये पिनियन क्या करता है कि रैक को राइट की तरफ ढकेलता है, जिसके वजह से एक एफर्ट पड़ता है टायरॉड में, और ये टायरॉड क्या करता है, व्हील्स को राइट की तरफ घुमाता है। ओके, उसी तरफ लेफ्ट का भी वही सेम सिस्टम है। ओके, तो ये सब दोस्तों, ये जो सब हो रहा है ये मैनुअली होता है। ओके, मैनुअली ड्राइवर को एफर्ट लगाना पड़ता है। ओके, जो इसके वजह से क्या होता है कि आपको वो जो ड्राइवर बैठा होगा वो ड्राइवर को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। ओके, लेकिन क्या होता है कि देखिए, अब आपको ड्राइवर को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। मान के चलिए कि सपोज एक कर्व आया या लेन आया, तो आपको तुरंत ही स्टीयरिंग सिस्टम को घुमाना है, तभी जाके आप एक्सीडेंट से बच सकते हो। लेकिन अगर हम ओल्ड कार की बात करें तो वहां पर आपको ड्राइवर को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। ओके, तो उस केसेस में क्या होता है कि एक्सीडेंट की चांसेस होना ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से आजकल में जो भी कार्स आ रहे हैं वहां पर लगे रहते हैं दोस्तों पावर स्टीयरिंग सिस्टम या फिर हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम लगे रहते हैं, जिसके वजह से ड्राइवर को ज्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है। ओके, ड्राइवर को अगर हम आजकल मॉडर्न कार्स की बात करें तो वहां पर लगा रहता है हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम या फिर पावर स्टीयरिंग सिस्टम लगा रहता है, जो कि हाइड्रोलिक फ्लूइड के मदद से काम करता है। और उसके वजह से दोस्तों क्या होता है कि ड्राइवर को ज्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है जब वो स्टीयरिंग व्हील को घुमाता है। ओके, तो आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि ये जो पावर स्टीयरिंग सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो को में डिस्कशन करते हैं पावर स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में। ओके, ये जो पावर स्टीयरिंग सिस्टम है ना, आप देख रहे हो ये उसका बेसिक डायग्राम है, राइट। ये देखिए ये है पावर स्टीयरिंग पंप। ओके, ये जो पावर स्टीयरिंग पंप है ना वो दोस्तों कनेक्टेड रहता है टू द क्रैंकशाफ्ट ऑफ द इंजन, क्रैंकशाफ्ट ऑफ द इंजन के साथ वो कनेक्टेड रहता है। तो आप अब दोस्तों पूछेंगे कि ये क्रैंकशाफ्ट ऑफ द इंजन के साथ कैसे कनेक्टेड रहता है, बाय द बेल्ट एंड पुली अरेंजमेंट। ओके, आप देख सकते हो इस डायग्राम में, वो देखिए ये पावर स्टीयरिंग पंप है वो कैसे कनेक्टेड रहता है। ओके, ये कनेक्टेड रहता है टू द क्रैंकशाफ्ट। ओके, क्रैंकशाफ्ट इंजन का क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्टेड रहता है। तो जब भी इंजन स्टार्ट होता है ना गाड़ी में, जब भी आपका इंजन स्टार्ट होता है तब ये पावर स्टीयरिंग सिस्टम पंप जो है वो भी स्टार्ट हो जाता है। ओके, अभी ये स्टीयरिंग व्हील के साथ एक इंपॉर्टेंट जो ये वाल्व जो है वो भी जो वो कनेक्टेड रहता है, रोटरी, उसका नाम क्या है, रोटरी कंट्रोल वाल्व। ओके, रोटरी कंट्रोल वाल्व है,
ये जो है ये आपका स्टीयरिंग व्हील के साथ, ये देखिए इस एक्सिस है और ये रोटरी कंट्रोल वाल्व है, ये कनेक्टेड रहता है राइट। और ये आप जो देख रहे हो ये फ्लूइड लाइन से, ये फ्लूइड लाइन से। तो होता क्या है दोस्तों कि मान के चलिए कि आप गाड़ी को, गाड़ी में कोई भी आप स्टीयरिंग को नहीं घुमाते हो, उस गाड़ी एकदम से स्ट्रेट चल रही है। ओके, सपोज गाड़ी हाईवे में चल रही है तो क्या होता है उस टाइम कि ये पावर स्टीयरिंग पंप जो होता है वो क्या करता है कि फ्लूइड को प्रेशराइज करता है। ओके, फ्लूइड को प्रेशराइज करता है, फिर यहां पर उसको भेज देता है राइट। उसको क्या करता है, प्रेशराइज्ड फ्लूइड को भेज देता है यहां पर रोटरी कंट्रोल वाल्व में। लेकिन आपकी गाड़ी तो स्ट्रेट चल रही है, आप तो किधर स्टीयरिंग व्हील का यूज नहीं करते हो, तो इसके वजह से क्या होता है ये जो प्रेशराइज्ड फ्लूइड है ना वो फिर बाद में वापस चली जाती है टू द रिजर्वर। ओके, वापस चली जाती है टू द रिजर्वर, मतलब यहां पर इन हुआ तो यहां पर आउट हो जाता है। ओके, लेकिन मान के चलिए कि आपने स्टीयरिंग व्हील को घुमाया टू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, स्टीयरिंग व्हील को आपने घुमाया टू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वहां पर दोस्तों क्या होता है कि यहां से जो प्रेशराइज्ड फ्लूइड आता है वो रोटरी कंट्रोल वाल्व में जाता है, पावर स्टीयरिंग पंप उस टाइम काम करता होगा, तो पावर स्टीयरिंग पंप क्या करता है प्रेशराइज्ड फ्लूइड को भेज देता है टू द रोटरी कंट्रोल वाल्व। अभी आपने क्या किया कि जो स्टीयरिंग व्हील है उसको इस तरफ घुमाया, ओके, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपने घुमाया, तो क्या होता है ये जो वाल्व है ना ये ऊपर नीचे होता रहता है। ओके, ये वाल्व जो है वो ऊपर नीचे होता है, तो क्या होता है कि आपने अभी स्टीयरिंग व्हील को घुमाया तो क्या इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उस टाइम क्या होगा कि ये जो प्रेशराइज्ड फ्लूइड है वो इस तरफ आ जाएगा। ओके, इस तरफ आ जाएगा और फिर यहां पर एक डबल एक्टिंग सिलेंडर है, ये देखिए हाइड्रोलिक पिस्टन है। ओके, तो ये जो फ्लूइड प्रेशराइज्ड फ्लूइड आया तो ये क्या करेगा पिस्टन को धक्का देगा। ओके, पिस्टन को धक्का देगा जिसके वजह से क्या होगा कि ये धक्का देगा टू द पिनियन एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हील्स विल टर्न। ओके, व्हील्स विल टर्न इन द एंटी टर्न। ओके, जो कि टायरॉड के ऊपर फिर प्रेशर देगा। ओके, टायरॉड के ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिसके वजह से आपकी व्हील्स जो है वो टर्न कर जाएगी। मान के चलिए कि आपने क्या किया कि अभी स्टीयरिंग व्हील को किस तरफ घुमाया, अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, तो क्या होगा कि प्रेशराइज्ड फ्लूइड फिर पावर स्टीयरिंग पंप से रोटरी कंट्रोल वाल्व में आएगा, रोटरी कंट्रोल वाल्व में आएगा, फिर क्या होगा कि अब जो है प्रेशराइज्ड फ्लूइड इस तरफ से आएगा। ओके, इस लाइन से आएगा, फ्लूइड लाइंस जो है इस तरफ से आएगा, फिर कहां पर से धक्का देगा, मैं कलर चेंज कर दे रही हूं। ओके, इस तरफ से प्रेशराइज्ड फ्लूइड अभी इस तरफ से आके धक्का क्या देगा हाइड्रोलिक पिस्टन इन दिस डायरेक्शन। ओके, आप पर्पल कलर से देखिए जो प्रेशराइज्ड फ्लूइड है वो पिस्टन को इस तरफ से धक्का देगा। ओके, इस तरफ से धक्का देगा तो क्या होगा वो कि पिनियन जो रैक है वो इस तरफ उसको एफर्ट लगेगा। ओके, अकॉर्डिंगली एंड अकॉर्डिंगली द व्हील्स विल टर्न। ओके, तो उससे क्या होता है दोस्तों कि आप देखिए 90% जो है एफर्ट, 90% जो फोर्स है, अब पावर स्टीयरिंग केस में क्या हो रहा है कि 90% जो एफर्ट है वो कौन लगा रहा है, देखो 90% एफर्ट जो है एफर्ट कौन लगा रहा है, फ्लूइड प्रेशराइज्ड फ्लूइड लगा रहा है और 10% मैनुअली लग रहा है। लेकिन पहले क्या होता था कि आप 100% ड्राइवर को लगाना पड़ता था स्टीयरिंग को घुमाने के लिए, लेकिन अब क्या हो रहा है पावर स्टीयरिंग केस में 90% जो है वो प्रेशराइज्ड फ्लूइड लगा रहा है और 10% आपका लग रहा है एफर्ट, जिसके वजह से आप इजिली जो है वो आप इजिली स्टीयरिंग कर सकते हो और एक्सीडेंट से बच सकते हो। जब कभी भी लेन वगैरह आए तो इजिली आप स्टीयर कर सकते हो, ड्राइवर इजिली स्टीयर कर सकता है और फिर एक्सीडेंट से बचा जा सकता है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों बेसिक जो मैकेनिज्म ऑफ ए पावर स्टीयरिंग सिस्टम। ओके, सो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में दोस्तों समझ में आई होगी कि पावर स्टीयरिंग सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आगे जाके जो भी मैं दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोज बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।